भाई और बहनों, चिकोड़ी के बेलगांव के कर्नाटका के अनेक सबूत, या तो नक्सलवादियों से मोर्चा ले रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने में जुटे हैं। देश की रक्षा के लिए जाने वालों में गरीब का बच्चा भी होता है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी होता है, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उनका भी अपमान करते हैं। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, क्या कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक ये मुख्यमंत्री की भाषा को स्वीकार करेगा? करेगा? उन्होंने क्या कहा था याद है? याद है? उन्होंने सेना में जो जवान जाते हैं उनके लिए ऐसी भद्दी बात बोली, ऐसी भद्दी बात बोली, माथा शर्म से झुक जाता है। देशभक्ति की भावना को भूख से जोड़ते हुए कहते हैं कि सेना में वो लोग ही जाते हैं जिन्हें अपना भूखा पेट भरना होता है। भाइयों बहनों, देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेट भरने के लिए जाता है? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? ये जवानों का अपमान है कि नहीं है? क्या ऐसा अपमान बर्दाश्त करेंगे आप लोग? ऐसा अपमान सहन करेंगे क्या? इस पूरे परिवार को सार्वजनिक जीवन से हमेशा हमेशा हटाना चाहिए। भाई और बहनों, कांग्रेस तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर गलती से भी मैं बताता हूं, उन्होंने ऐसा वादा किया है, अगर गलती से भी मजबूर सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने लिखित में यह कहा है कि वो आपदा का कानून हटा देंगे, यानी हमारे जवान आतंकियों और नक्सलियों से लड़ रहे हैं उनको जो विशेष अधिकार मिलता है, विशेष सुरक्षा कवच मिलता है, इसको कांग्रेस छीनना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि आतंकवादियों के समर्थक पत्थरबाज सैनिकों पर झूठे केस कर सके और हमारे सपूत अदालतों में ही चक्कर काटते रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस एक तरफ सैनिकों का सुरक्षा कवच हटाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ देशद्रोह करने वालों को खुली छूट भी देना चाहती है। कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने का ऐलान करके बता दिया कि उसके इरादे क्या है, क्या इस खतरनाक खेल को आपका समर्थन मिलेगा? आप समर्थन देंगे ऐसे काम करने वालों को? जो कांग्रेस देश देशियों के साथ खड़ी है उसको सबक सिखाएंगे?